दोस्तों इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दूध जहर कब बन जाता है। दोस्तों दूध पोषक तत्वों से भरपूर संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन कई बार ये आपके लिए जहर हो सकता है। दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। दूध पीना सेहत के लिए बहुत आवश्यक बताया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है दूध आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। दूध का इस्तेमाल अगर कुछ गलत कॉम्बिनेशन के फूड आइटम के साथ किया जाए तो ये जहर के समान हो जाता है, यहाँ तक कि ये आपकी तबीयत भी बिगाड़ सकता है। आइए बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनके साथ दूध का सेवन करना आपके लिए जहर के समान है। उड़द की दाल और दूध। अगर घर के बुजुर्गों से अक्सर आप सेहत की बातें सुनते होंगे, जैसे उड़द की दाल खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से उड़द की दाल से पेट में अधिक गैस बनती है, नतीजतन हमें पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। दूध और दही का सेवन। माना कि दूध और दही एक ही पदार्थ से बनते हैं, लेकिन इनका सेवन साथ करना जहर के समान है। ये अपच का कारण बन सकता है। जब आप इस कॉम्बिनेशन को अलग अलग लेकिन एक साथ खा लेते हैं तो ये पेट में जाकर रिएक्ट करता है। इसे एक साथ लेने पर त्वचा से जुड़े रोग हो सकते हैं। दूध के साथ खट्टी चीजें या फल। दूध में खट्टा पदार्थ डालते ही क्या होता है, जहर बन जाता है। जी हाँ, ऐसी रासायनिक क्रिया होती है कि दूध फट जाता है। इसलिए दूध के साथ खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये आपके पेट में जहरीले अम्ल बना सकता है। दूध और मछली। दूध और मछली त्वचा के लिए जहर हैं। दूध के साथ मछली का सेवन करने की गलती कभी मत करना। ये दोनों मिलकर पेट में जहरीला रसायन बनाते हैं। ये दोनों ऐसे अम्ल बनाते हैं जिससे पेट में तेज दर्द, ऐठन और बदहजमी की समस्या होने लगती है। दूध और मछली का साथ में सेवन आपके हृदय के लिए अच्छा नहीं है। दूध और नमक। ये कॉम्बिनेशन साथ में लेने की गलती भी आपको भारी पड़ सकती है। इन्हें साथ में लेने से सफेद रोग हो सकता है, विशेषकर पुरुषों में। इसका इफेक्ट भी बॉडी में धीरे धीरे देखने को मिलेगा। दूध के साथ चिकन, मटन लेने से भी बचना चाहिए। दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं, शरीर इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाता और फिर परेशानी हो सकती है। दूध के साथ मूली, जामुन, करेला और तिल, ये चीजें नुकसान पहुंचाती हैं। इन्हें खाने से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। सोने से पहले दूध ना पिए। सोने से ठीक पहले दूध पीने वाले भी इससे होने वाले नुकसान से नहीं बच सकते। दूध पीकर सोना अपने लिए मुसीबत मोल लेने जैसा है। अगर दूध पीना ही चाहते हैं तो कम से कम 3 घंटे पहले दूध पी लें। ये दूध बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। दूध फीका पीना सेहत के लिए सही माना जाता है। ज्यादा से ज्यादा आप इसके साथ गुड़ का सेवन कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द है तो ऐसे पिए दूध। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो दूध में गुड़ मिलाकर पीना आपके लिए हितकर रहेगा। इसके नियमित सेवन से कब्ज की समस्या नहीं रहती। गर्भवती महिलाओं को थकावट और कमजोरी ज्यादा होती है, ऐसे में उन्हें दूध में गुड़ मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है। दूध में गुड़ मिलाकर पीने से पीरियड्स अनियमित नहीं होते और दर्द भी कम होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि दूध कब हमारी सेहत के लिए जहर बन जाता है, हमें ऐसी कौन सी चीजें दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए जिनका इस्तेमाल करने से हमारे लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके अजीज भी इस जानकारी के बारे में जाने तो उन तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाएं। इसके अलावा आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरीके के और भी बेहतरीन स्वास्थ्यवर्धक वीडियो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें और आप भी यूं ही लगातार उनका फायदा उठाते रहें। धन्यवाद।